प्रेगनेंसी हर महिला के लिए बेहद ही खास एक्सपीरियंस होता है। दिन भर फिट और हेल्दी रहने के लिए सुबह स्वस्थ भोजन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए, आइए इस वीडियो में यही जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपने खान पान का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस दौरान महिलाएं जो खाती हैं उसका असर उनके और उनके बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करनी चाहिए कि वो सिर्फ हेल्दी खाना ही अपने डाइट में शामिल करें, खासकर सुबह खाली पेट। उन्हें हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर चीजों का ही सेवन करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप सुबह खाली पेट हेल्दी खाना खाएंगी तो इससे आप पूरे दिन अच्छा महसूस करेंगी, साथ ही आपके भ्रूण को भी यानी आपके बच्चे को भी सभी विटामिन्स और मिनरल्स मिल पाएंगे और उसका विकास, उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो सुबह खाली पेट अनहेल्दी फूड से परहेज करें, अपने डाइट में सिर्फ हेल्दी फूड्स को शामिल करें। अब आप सोच रही होंगी कि आखिर प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट आपको फल खाने चाहिए। प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट आप फल खा सकती हैं। सुबह खाली पेट फल खाना आपको विटामिन ए, बी, सी, आयरन, कैल्शियम और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेंगे। सुबह खाली पेट फल खाने से शरीर पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। ये सभी पोषक तत्व बच्चे और माँ दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन आपको सुबह खाली पेट खट्टे फलों का सेवन करने से बचना चाहिए। सुबह खाली पेट नारंगी, कीवी, अंगूर, आंवला जैसे फलों का सेवन करने से बचें। इससे आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, ये पेट में जलन और दर्द का कारण भी बन सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में खाली पेट नट्स खाना चाहिए। एक्सपर्ट की माने तो नट्स सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट बादाम, काजू, मूंगफली और अखरोट खाना बेहद फायदेमंद होता है। इससे आपको जरूरी मात्रा में प्रोटीन, मैग्नीशियम, अमीनो एसिड, जिंक, कैल्शियम और फाइबर मिलेगा। रोज सुबह खाली पेट नट्स खाने से आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहेंगी, साथ ही नट्स खाने से आपके बच्चे को भी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे। इसके लिए आप रात को नट्स भिगोकर रख दें, फिर सुबह खाली पेट इनका सेवन कर लें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट साबुत अनाज खाएं। साबुत अनाज गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें विटामिन, प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सुबह खाली पेट दलिया, ओट्स, ब्राउन ब्रेड का सेवन कर सकती हैं। इनमें फाइबर ज्यादा होता है, इससे आप कब्ज और गैस की समस्या से बच सकती हैं, साथ ही आपका पाचन तंत्र भी सही से काम करता है। सुबह खाली पेट साबुत अनाज खाने से पाचन से जुड़ी समस्याओं में भी आराम मिलता है। इसके अलावा आप सुबह खाली पेट पोहा भी खा सकती हैं। सुबह के नाश्ते की शुरुआत हमेशा हल्के खाने से करें, इससे आप पूरे दिन अच्छा महसूस करती हैं, साथ ही आपका शरीर और मन भी हल्का महसूस करता है। इसके लिए आप सुबह पोहा या उपमा खा सकती हैं। पोहा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए आप चाहें तो इसे अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप साउथ इंडियन खाने के शौकीन हैं तो आप सुबह के नाश्ते में इडली और सांभर भी खा सकती हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इससे आपकी सेहत को भी कई लाभ मिलते हैं। इसके अलावा आप प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट अंडा भी खा सकती हैं। सुबह के नाश्ते में आप अंडे का सेवन कर सकती हैं। अंडे में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, जो माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। आप सुबह खाली पेट अंडे को उबालकर खा सकती हैं। इसके अलावा अंडे का ऑमलेट भी खाया जा सकता है। अगर आप अंडा नहीं खाती हैं तो प्रोटीन से भरपूर कुछ और पदार्थों का सेवन कर सकती हैं। साथ ही किसी भी चीज के सेवन से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी चीज का सेवन ना करें। साथ ही सुबह में आप कुछ खाने से पहले योग और ध्यान भी कर सकती हैं, लेकिन इसे भी एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।